हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Lab TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। जी हां दोस्तों, चार WWE सुपरस्टारों की जोड़ियां जो मौजूदा समय में ऑन स्क्रीन काफी अच्छी दोस्त बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, WWE इतिहास में कई ऐसे सुपरस्टारों की जोड़ियां रह चुकी हैं जिनके ऑन स्क्रीन दोस्ती को फैंस द्वारा काफी पसंद किया गया था। WWE में कई बार ऐसा देखने को चुका है जब असल जिंदगी के दोस्तों को ऑन स्क्रीन भी एक दूसरे के दोस्त के रूप में पेश किया गया था। ऐसा भी देखने को मिल चुका है कि जब ऑन स्क्रीन दोस्ती निभाने वाले सुपरस्टार असल जिंदगी में दोस्त नहीं थे। मौजूदा समय में भी WWE में कई ऐसे सुपरस्टार्स की जोड़ियां हैं जो ऑन स्क्रीन काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फैंस को भी इन सुपरस्टार की जोड़ियां काफी पसंद आ रही हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसी ही चार WWE सुपरस्टार की जोड़ियों का जिक्र करने वाले हैं जो मौजूदा समय में ऑन स्क्रीन काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। नंबर चार, WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोसे ऑन स्क्रीन अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने काफ़ी समय पहले हाई फ्लाइंग मूव्स परफॉर्म करने वाले रेसलर पर निशाना साधा था। इसके बाद स्ट्रोमैन की रिकोसे के साथ स्टोरी लाइन की शुरुआत की गई थी जो कि एक हाई फ्लाइंग रेसलर है। बता दें, रिकोसे स्मैकडाउन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराने में कामयाब रहे थे। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार ऑन स्क्रीन धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। बता दें, ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोसे कई बार एक दूसरे को हमले से बचा चुके हैं। यही नहीं, ये दोनों सुपरस्टार साथ मिलकर टैग टीम मैच भी लड़ते हुए दिखाई दे चुके हैं। नंबर तीन, WWE सुपरस्टार डोमिनिक मिस्टूरियो और रिया रिपली। जी हाँ दोस्तों, WWE में पिछले साल डोमिनिक मिस्टूरियो और रिया रिपली के बीच दुश्मनी देखने को मिली थी। इस दौरान रिया ने कई मौकों पर डोमिनिक पर हमला करते हुए उनकी हालत ख़राब कर दी थी। हालांकि जजमेंट डे फैक्शन को ज्वाइन करने के बाद डोमिनिक की रिया रिपली से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। बता दें, डोमिनिक मिस्टूरियो कई बार ऑन स्क्रीन रिया रिपली के साथ अपने पिता रे मिस्टूरियो के घर में दिखाई दे चुके हैं। यही नहीं, रिया रिपली WWE में डोमिनिक मिस्टूरियो को दूसरे सुपरस्टार्स के हमले से बचाते हुए भी दिखाई दे चुकी है। अधिकतर फैंस को भी इन दोनों सुपरस्टार की जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही है। नंबर दो, ड्रू मैकइंटायर और सैम्स। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ड्रू मैकइंटायर और सैम्स असल जिंदगी में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हालांकि अब इन दोनों सुपरस्टार ने ऑन स्क्रीन भी दोस्त के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, ड्रू मैकइंटायर और सैम्स ने मौजूदा समय में टैग टीम बना ली है। इन दोनों सुपरस्टार की इस टीम को वेंगर ब्रोज का नाम दिया गया है। बता दें, ड्रू मैकइंटायर और सैम्स ने ब्लू ब्रांड में द उज़ोस से स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप हासिल करने के लिए ये टीम बनाई है। ये देखना रोचक होगा कि ये दोनों सुपरस्टार कितने समय तक ऑन स्क्रीन दोस्त के रूप में दिखाई देते हैं और ये दोनों अगले स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बन पाते हैं या नहीं। नंबर एक, WWE सुपरस्टार सैमी जेन और जे उसो। एक वक्त सैमी जेन और जे उसो के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे और जे उसो उन्हें द ब्रेडलाइन से बाहर निकालना चाहते थे। हालांकि जब सैमी जेन ने सर्वाइवर सीरीज बारगेम में द ब्रेडलाइन को जीत दिलाने में मदद की तो जे उसो की सैमी के बारे में सोच बदल गई। इसके बाद ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बता दें, रोमन रेंज इस हफ्ते रॉ में सोलो सिकोवा को सैमी जेन पर हमला करने का आदेश दे दिया था और वो सैमी को द ब्रेडलाइन से बाहर निकालने वाले थे। हालांकि इसके बाद जे उसो ने न केवल सोलो को सैमी जेन पर हमला करने से रोका था बल्कि उन्हें निर्देश भी साबित करने में मदद की थी। ये चीज़ दर्शाती है कि WWE में सैमी जेन और जे उसो की दोस्ती कितनी गहरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Lab TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।